सिंगरौली के सराई में फिर कोयला वाहन ने एक व्यक्ति की जान ले ली। इससे नाराज लोगों ने पिछले 24 घंटे से चक्का जाम कर रखा है। सिंगरौली जिले के सराई में कोयला वाहन ने बर्दिया नाला के पास युवक को रौंद दिया, जिससे मौके पर युवक की मौत हो गई। इससे नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। बीते 24 घंटों से चक्का जाम चल रहा है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन अभी भी पूरे सराई में चक्का जाम है। उसी कड़ी में ग्राम कोनी में ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत हो गई। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। और कुछ सहायता राशि जो हमारे यहाँ से मिलती है तो उनके परिजन इसे प्राप्त कर ले। मांग है इसमें कोल परिवहन पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगाई जाए। कोल परिवहन के लिए बाईपास या कन्वेयर बेल्ट रेल लाइन। दूसरा मांग है कि जो कोल यार्ड बना हुआ है सघन आबादी में, आप जाके निरीक्षण कर लीजिएगा, पूरी तरफ चारों तरफ आबादी है और आज की आबादी नहीं है, 100-200 साल की आबादी है। उस आबादी के बीच में कोल डंपिंग की जा रही है, उस प्रदूषण से हमारे बच्चे युवा ग्रामीण त्रस्त हैं। तो दूसरी मांग है कि उस कोल यार्ड को वीरान जगह में जहां आबादी ना हो वहां ले जाकर के लोडिंग करें। हमारा ये मतलब नहीं है कि सड़क जाम करें या विकास ना हो, विकास हो लेकिन हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विकास हो। ऐसा विकास हम क्या करेंगे जब हमारा जान ही नहीं है। हमारा मांग है कि रात में जो रेत ढुलाई होती है उसमें भी लग रहा है कि कमीशन खोरी के कारण रात में ढुलाई होता है, रात में ढुलाई बंद किया जाए। अगर रेत ढुलवाना है तो दिन में ढुलवाए। तो मडानी जी आ रहे हैं तो वो सामने आए, हम लोगों से बात करें, हम भी बात करेंगे उनसे, आमने सामने होंगे। जो कल जान गई है उनका मुआवजा भी दें, वो वहाँ भी आते हो उनको बुलवाया जाए, सामने आए हम लोगों से बात करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।